मैंने किसी पिक्चर में कि इंसान को देखा है वो सबसे पहले आप लोग, मतलब रियल लाइफ में, रियल लाइफ में सबसे मैंने पहले देखा है वो आप लोग है। अच्छा, मैंने को भी नहीं देखा था जब मैं पहली बार आई थी ना। हाँ। मैं तो देख के रही थी आपको सच्ची। हाँ, तो मैं मतलब क्या बोलूँ क्या नहीं, मेरे को कुछ समझ में वो मैं बोले कुछ भी ऊपर बोले यहाँ पे काम करना है और मैं सबको बोले कि मैं यूनिवर्सिटी का काम कर लेकिन तुझे मैं कभी तो मेरे सेट पर गई है मेरे साथ नहीं, कभी नहीं गई हूँ। नहीं ना, मैं एक दिन तेरे को बोला था कि मैं लेकर जाऊंगी, राज को लेके गए थे। तेरे को क्यों नहीं लेके गए थे? तभी घर में भी थोड़ा जरूरत थी ना काम की, तो इसलिए। अच्छा, तो उसको लेके गए। मुझे लगा एक दिन गए थे, क्योंकि पता क्या, तेरे को इंस्टाग्राम पर देखकर ना कई लोगों ने बोला मैडम मैं भाग्यश्री आई थी ना सेट पर आई थी ना, मेरे को कंफ्यूज हो गई मैं कि नहीं ना, और अभी आएगी है ना। अच्छा एक बात बता, अगर तेरे को बोले स्टेज पर आने के लिए कपिल शर्मा के शो पर, तो तू क्या बोलेगी? आए तू डर क्यों गई है? इतने बड़े पागल हो जाऊंगी मैं तो, घबरा के देखो इधर आप घर में आप लोग हैं इसलिए कुछ नहीं लगता है। मैं घर में शेर हूँ, बाहर नहीं हूँ। वहां पर तो छोटी सी चुहिया बन सवाल गॉड इंसान सामने वाला एकदम टेंशन में आ जाता है क्या जवाब दे। तू कुछ सवाल इतने डेंजर वो सवालों में ही तो, मतलब तुम्हें जवाब मिल जाता है, लेकिन वो मजा आ जाएगा ना लोगों को। मैं तो ऐसे पूछ रही हूँ, उन्होंने थोड़ा ना बोला है, लेकिन मैं तो ऐसे मजे करने के लिए पूछ रही हूँ कि अगर तो क्या होगा? क्या होगा? मैं बस खड़े ऐसे जाके खड़ी रहूंगी। टेंशन नहीं, अकेले तो नहीं हो पाएगा। जा कोई नहीं, आप ले हो गए कोई और अलग ही लोग हो गए सब आने, क्योंकि टीवी पे देखना और रियल में देखना ये बहुत मतलब ये होता है ना। हाँ। फर्क होता है ना, तो उस टाइम अगर आप रहेंगी तो फिर ठीक है, आप नहीं रहूंगी तो लग जाने। तो लोग बोलते हैं कि भाग्यश्री को अभी टीवी सीरियल में एक्टिंग करनी चाहिए। की वो तो तू है और किधर की और मेरे को बस यही रोल प्ले करना है। तो मैं सोचने लगी, मेरे को टेंशन है, मैंने कहा हाँ अगर सपोज कुछ ऑफर आया और हाँ हमने सोचा ना, मैंने कहा लेकिन मैं भाग्यश्री को अकेले कैसे भेज दूंगी शूट पर? तो आपको लग तो मैं जाऊंगी नामुमकिन है नामुमकिन है। वो तो उस दिन भैया मेरे को बोले थे आप यहाँ तो अभी हम लोग छोड़ के जाएंगे, भैया बोले मुझे डर है कि आप लोग मुझे ना छोड़ के जाए, मुझे मेरे को मत छोड़ना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। भैया बोलता है वो अच्छी बात है। नहीं पर मेरे को टेंशन हो गई थी, मैंने कहा यार मैं कैसे भाग्यश्री को अकेले काम करने दूंगी, तो वो जाएगी कहाँ जाएगी कैसे जाएगी? एक तो ये मर छोड़ के वो तो मालूम नहीं है मर ही छोड़ना तुझे आता नहीं है, अकेले कभी मैं जाऊंगी नहीं, अकेले में कभी मुश्किल से वर्षा हो गई होगी। तो मैं उनको बोल दूं जो भी अगर कोई ऑफर है, भैया इधर आ जाओ अपना सेट ना इधर ही ले आओ। इधर मतलब बहुत बड़ा मतलब बगीचा है सब, बोलिए इसी में लगा दो जो भी सीन्स करने मतलब कम ऑफर में कर ले। बड़े बड़े सुपरस्टार के लिए सेट नहीं हिलते हैं अपनी जगह से, तेरे लिए सेट वो हमारे बागीचे में लगाएंगे, उसमें हम डिस्काउंट भी तो दे रहे हैं। वो बोलेंगे तुम्हें वैसे ही हम 5 पैसे देने वाले थे, तुम 5 पैसे में नंगा क्या नहाएगा क्या नहीं चोड़ेगा। बोल फेमस तो हो गई ना, बहुत बड़ी बात है बोलना, बाकी का तो बोलना है मेरी मैडम है, मेरे को टेंशन नहीं, जितनी की जरूरत है उतना मिल रहा है, एक तो सुबह सुबह भैया ने हंसाया, आज भैया का ही रिटर्न पोपट हो गया, उन्होंने ना उनके मोबाइल से फोन किया। हेलो बोले हाँ हेलो बोले मैं बोले कौन बोल रहा है? बोले यमराज बोल रहा हूँ। बोले रॉन्ग नंबर रख दो। किसने फोन किया? बड़े भैया ने है पहले मतलब वो अभी उनके रूम में अभी तक फोन नहीं लगाया ना। हाँ तो अपने फोन से कर, मोबाइल से कर, फोन से उन्होंने उनको ग्रीन
थी और कॉफी चाहिए थी। हाँ। तो पहले ना उन्होंने अलग आवाज निकाला, अभी जब नंबर होते तो हम पहचान जाते हैं कि आपने किया है नानी ने किया है, तो डायरेक्ट नाम लेके बोलते हैं हाँ मैडम हाँ नानू ऐसे बोलते हैं ना। तो अभी भैया ने अलग आवाज दिया हेलो हेलो, तो बोले मैं बोले कौन बोल रहा है, तो बोल रहे यमराज बोल रहा हूँ, बोले सॉरी रॉन्ग नंबर यमराज मुझे कॉफी और ग्रीन टी चाहिए। अच्छा अभी यमराज को कॉफी और ग्रीन, बोले अभी आ गए ना मुझे पता था भैया आप भी करके उनको लगा कि मैं मुझे पहचाना नहीं रॉन्ग नंबर बोल के रख देने वाली हूँ, तो खुद आर्यमन का पोपट हो गया। एनी टाइम हम कुछ ना कुछ कॉमेडी करके हंसते रहते, लोग बोलते आपको हंसने का पैसा नहीं चाहिए ऐसा, अभी तो आप तो लॉकडाउन में घर पे रहते कहाँ से पैसे, मैं फिर भी एंटरटेनमेंट कर रहे हो फिर भी हंस रहे हैं। यस भाग्यश्री तूने मेरे इतना कहाँ से पैसा आ रहा है बोला। हाँ हम तो बिना बिना पैसे लिए ही हंस रहे हैं, आपका फर्ज नहीं मारो फिर भी लोगों को एंटरटेनमेंट कर रहे हो, खुश रख रहे हो, हंसा रहे हो, और क्या करना चाहिए। अरे टू गुड टू गुड, अभी बोलना भेजो चेक बोलना मेरी इतना एंटरटेनमेंट किया।